जामनगर, कितनी बार आपने सीएनबीसी आवाज पर इसका नाम सुना है? जी हाँ, जब भी रिलायंस के नंबर्स की बात होती है हमेशा एक नाम याद में आता है, जामनगर। जामनगर जहां पर देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जामनगर जहां पर देश का या दुनिया का सबसे बड़ा मैंगो प्लांटेशन है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं जामनगर की एक बहुत ही अलग दुनिया से, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनंत अंबानी के एक पैशनेट प्रोजेक्ट की। अनंत अंबानी, जिनका काफी बिलीफ है भगवत गीता में और काफी बिलीफ है सनातन धर्म में, उसी से उन्होंने एक इंस्पिरेशन लिया है कि सब जीव एक समान है, और इसीलिए उन्होंने यहां पर एक ओपन किया है दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल वेलफेयर, एनिमल रेस्क्यू फैसिलिटी, जिसमें शामिल है ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलिफेंट हॉस्पिटल, एक बहुत ही शानदार रेस्क्यू सेंटर और एक एनिमल हॉस्पिटल जो कि एक अलग से है अपार्ट फ्रॉम ये जो एलिफेंट्स आप देख रहे हैं। तो अगले आधे घंटे में हम ट्रैवल करेंगे इस पूरी फैसिलिटी का। ये ध्यान रखिए, ये फैसिलिटी पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, ये पब्लिक व्यूइंग के लिए नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली सिर्फ एनिमल वेलफेयर के लिए बनाई गई है। तो हम इसका एक जायजा लेंगे और बात करेंगे अनंत अंबानी से। ये सब कुछ लाइंड अप है मेरे साथ, चलिए इस स्पेशल टूर पर। यह है दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट हॉस्पिटल। जी हाँ, डेडिकेटेड टू एलिफेंट्स, जिन हाथियों को वाइल्ड से, सर्कस से, कहीं से भी रेस्क्यू करके लाया जाता है, उनका यहाँ पर इलाज होता है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक इस समय एक तैयारी हो रही है एक एलिफेंट सर्जरी की। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है ये, बहुत सारे ट्रेंड लोग यहाँ पर लगते हैं, बहुत सारे महावत डॉक्टरों की पूरी टीम तैयारी हो रही है कि एक इस ब्यूटीफुल हाथी को एक सर्जरी प्रोसीजर करनी है। उसके लिए जो आप पीछे देख रहे हैं वो उसकी तैयारी हो रही है, और ऑब्वियसली उसके उससे ज़्यादा हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि उसके बाद सर्जरी शुरू हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन ये एक बहुत ही शानदार एक हॉस्पिटल है यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ इस हॉस्पिटल की, और ये जो पूरी फैसिलिटी है इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो अगर आप मेरे साथ आएँ तो देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन है जो इस समय वाइल्ड में ली जा, इनको ले के जाया जाता है, और इसके थ्रू अगर कोई भी हाथी पेन में है तो उसका एक्सरे होता है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। और वैसे भी आर्थराइटिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एलिफेंट्स में, तो इन दैट केस ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मशीन है। आपको दिखाते हैं, ये बहुत ही शानदार, ये हाँ जी हाँ, ऑपरेशन टेबल होती है ना, ये 7 टन की हाइड्रोलिक लिफ्ट है, क्योंकि हाथी का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल ऑपरेशन टेबल को आप कैसे भी मैन्यूवर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक हाथी को यहाँ पर बिठाकर अगर उसको ऑपरेट करना है तो 7 टन की ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखा गया है ताकि वो ऑपरेशन ढंग से हो सके। ये देखिए, ये यहाँ पर एलिफेंट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन ऑक्सीजन सिलेंडर असेंबली है। जी हाँ, और एनेस्थीसिया मशीन, ये यहाँ का मेरा एक बहुत ही फेवरेट पार्ट है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ कंपैरिजन करने के लिए। एक इंसान को अगर एनेस्थीसिया दिया जाए तो इस साइज़ की ट्यूब से दिया जाता है, एलिफेंट को देना हो तो कैसे देना होगा, इस साइज़ की ट्यूब से। जी हाँ, ये इस साइज़ की ट्यूब से यहाँ पर आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ का एक स्पेशल बहुत ही शानदार एक हॉस्पिटल। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं। ये देखिए, ये सब इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वेरियस सर्जरीज के लिए, और ये सब भी इस शानदार हॉस्पिटल का एक हिस्सा है। बिफोर एंड आफ्टर के आपने कई केसेस देखे होंगे, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बिफोर एंड आफ्टर का केस एक बहुत ही प्यारे इस एलिफेंट के बारे में। जी हाँ,
देखिए ये एक ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है यहाँ पर। ये जो हाथी है इसकी एक साइड की स्किन पूरी जल गई थी। ये एक सर्कस का एलिफेंट है, सर्कस के टेंट में आग लगी थी जो इस एलिफेंट के ऊपर गिरा था और इसकी पूरी स्किन जल गई थी, बचना मुश्किल था। इस हॉस्पिटल में ना सिर्फ इसको बचाया गया बस एक कोशिश की जा रही है कि वापस इसको उसी स्टेज में लाया जा सके जहां पर ये पहले था। देखिए वन तारा का सबसे बड़ा जो एम है वो ये है कि एक इन एनिमल्स को, इन ब्यूटीफुल क्रिएचर्स को एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करना, और यही यहाँ पर किया जा रहा है। ये सब ट्रेन महावत हैं। देखिए किस तरीके से बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ये इसका ध्यान रख रहे हैं। फीडिंग की जा रही है, यहाँ पर मसाज दी जा रही है, क्योंकि एक हाथी के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ईयर्स ऑफ टर्मोइल, ईयर्स ऑफ ट्रॉमा इन्होंने झेला होता है, और उसके बाद इनको एक वापस एक उस एनवायरनमेंट में लाना जहाँ इनको ये फील हो सके कि हाँ हम अब एक अपने नेचुरल हैबिटेट में हैं, इसके लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पॉन्ड बनाया गया है, ऐसे कई पॉन्ड बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर कई फैमिलीज हैं इन हाथियों की, और ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखेंगे अगेन ट्रेन महावत्स हैं, और इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि इन्हें वाटर जो है, वाटर में काफ़ी एक हीलिंग प्रोसेस होती है एलिफेंट्स के लिए। वाटर में एलिफेंट्स तैरते हैं तो उनको अपनी बॉडी में लाइट फील होता है, उनको वो जो एलिफेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आर्थराइटिस, उनको उस पेन से रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया है, और सिर्फ पॉन्ड ही नहीं, यहाँ पर उसके अलावा आप देखेंगे तो चाहे आप शावर हो, चाहे जकूजी हो फॉर एग्जांपल, इन चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पर बहुत खास लगती है मुझे, जिसकी आप कुछ फुटेज देखेंगे, कि जब एलिफेंट्स यूज़ करते हैं सैंड को यूज़ करते हैं वो नहाने के लिए, अपने ऊपर प्ले करने के लिए। तो बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट ये है कि ये लगना चाहिए कि सब कुछ नेचुरल है। देखिए इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके के पेड़ यहाँ पर लगाए गए। एक और चीज़ जो आप देखेंगे, इन एलिफेंट्स को जहाँ से रेस्क्यू किया जाता है वहीं के पेड़ यहाँ प्लांट किए जाते हैं, उसी तरीके के पेड़ यहाँ पर प्लांट किए जा सकें ताकि उनको ये लगे कि हाँ हम एक नेचुरल हैबिटेट में हैं। हल्का सा भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वनतारा का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जिन एनिमल्स को एक रेस्क्यू किया गया है उन्हें एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जा सके। देखिए एक चीज़ मैं और वनतारा के बारे में क्लियर कर दूं, ये जो आप जितनी भी फुटेज देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा हूं कि मैं यहां पर हूं। ये पब्लिक व्यूइंग के लिए नहीं है, ये यहां पर कोई जू नहीं है, ये यहां पर कोई एनिमल सेंचुरी नहीं है जो पब्लिक के लिए ओपन हो, क्योंकि वरना फिर वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा एक एनिमल के नेचुरल हैबिटेट का। ये किसी शोबाजी के लिए नहीं किया गया है, ये किया गया है यहाँ पर एक अनंत अंबानी के पैशन की वजह से। अनंत अंबानी ने एक चीज़ बोली थी और वो गीता से काफ़ी इंस्पायर्ड है, भगवत गीता से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हर जीव मेरा ही अंश है। अब उस जीव में, जी हाँ, सिर्फ मनुष्य नहीं है, उस जीव में वाइल्ड लाइफ भी है, उस जीव में जानवर भी हैं, और यही अनंत अंबानी ने प्रेरणा ली अपनी मदर से, अपने दादाजी से, और इसीलिए इस पैशन के साथ उन्होंने स्टार्ट किया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि ये जो भी आप देख रहे हैं ये पब्लिक व्यूइंग के लिए नहीं है, और इस चीज़ का एकदम खास ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर इन एनिमल्स को किसी भी किस्म का डिस्टर्बेंस ना हो, उन्हें ये ना लगे कि कोई बाहर से आकर हमारे एक हैबिटेट में एनक्रोच कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए उन्हें। इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तान के इतिहास में अगर विजन की बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम आता था धीरूभाई अंबानी का, और उसमें हमने हमेशा नाम सुना था जामनगर का, और मुझे एक मौका मिला उसको वापस एक्सपीरियंस करने का, और अब मुझे समझ में आया कि क्यों धीरूभाई के बारे में ये बात कही जाती थी। और आज हम बात करेंगे, आपने एक बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, आज हम बात करेंगे धीरूभाई के पोते मुकेश अंबानी, नीता अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी से, जो इस प्रोजेक्ट को स्पेयर हेड कर रहे हैं। अनंत जी नमस्कार, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, और मैं ये देख रहा था ये जो आपने इतनी पैशनेटली, आप पिछले 12 घंटे से हम सबके साथ हैं और ये हमको सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पैशन क्या वही धीरूभाई का पैशन है जो आपके पास है इस समय?
मैं तो मेरे पिताजी और माननीय मेरे दादाजी श्री धीरू भाई, मेरे माताजी, आपकी दादी जी भी, दादी जी जामनगर जामनगर की है, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, सबसे मैं प्रेरणा लेता हूँ, मेरे लिए ये इंस्पिरेशन है। और इन्होंने जो किया है उसका अगर मैं थोड़ा भी कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जो धीरू भाई अम्बानी जी ने और जो पापा ने, मुकेश भाई अम्बानी जी ने, जो यहाँ रिफाइनरी, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी यहाँ खड़ा किया, दुनिया का, यहाँ माताजी ने सबसे बड़ा टाउनशिप, आप देखे होंगे हमारे जितने भी मेरे कलीग्स, हमारे जितने भी रिलायंस के एम्प्लॉइज, यहाँ जो रिलायंस के कर्मचारी है यहाँ रहते हैं, उनके लिए हमने पूरा एक सिटी बनाया, माताजी ने बनाया। और धीरू भाई ने जहाँ जब धीरू भाई थे, जब वो जीवित थे, उनका ये सपना था, उन्होंने, उनका तो देहांत हो गया बट पापा ने उनका सपना आखिर तक साकार किया। बिल्कुल नहीं, मैं धीरू भाई जी के बारे में कहा जाता था कि जहाँ आम इंसान की सोच खत्म होती थी वहाँ उनकी सोच शुरू होती थी, और यही ट्रेडिशन आपके पिताजी ने भी कंटिन्यू किया। मैं इस प्रोजेक्ट के को देख रहा था, ये इतना ग्रैंड है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आपके दिमाग में कब आया कि इस तरीके का कुछ करना है और इस स्केल पे करना है। जैसा आपने कहा कि दादाजी और मेरे माताजी, मेरे पिताजी, सबने कहा कि कुछ करना है तो ऐसे करना है कि दुनिया में एक नाम रह जाए। और जो धीरू भाई का फिलॉसफी था कि पब्लिक को लाभ होना चाहिए, उन्होंने 500 रुपया में मोबाइल दिया था एक समय पर, जहाँ हर एक ने उसका लाभ उठाया। पापा ने 4G का भी इसी से उनको सोच आया। हर एक बिजनेस, पापा यही कहते हैं कि जनता का लाभ कैसे हो उस हिसाब से वो बिजनेस को करते हैं, और जनता को उससे फायदा कैसे हो और उनका जिंदगी सरल कैसे हो जाए जनता का, उस हिसाब से पापा ने हमेशा बिजनेसेस खोले हैं। तो हम भी उस हिसाब से बिजनेसेस के लिए पापा ने हमें सिखाया गया। अब तो हम पापा के साथ, उनकी जो टीम है, मेरे कलीग्स जो हमारे साथ कर्मचारी, हम सब मिलकर पापा का विजन को साकार करने में लगे हुए हैं। अगर हम कुछ भी करें, उनको, हमें उनका विजन को आगे ले जाना है। और हम सब, हमारा पूरा टीम है, रिलायंस टीम, सब मेरे कलीग्स हैं, मेरे भाई बंधु, सब साथ में मिलकर हम उनके विजन के ऊपर लगे। आपके भाई और बहन की बात की आपने, उनका कितना सपोर्ट रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए? मेरे भाई श्री और मेरे बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जानवर पाल, मेरे मेरे पूरे परिवार में सब जानवर प्रेमी हैं, और सब ने जानवर का बहुत, जानवर के लिए उनका बहुत, पापा तो हमें बचपन से ही जंगल ले जाते थे, दादा को भी जंगल में बहुत शौक आता था, गिर में, दादा है चोरवाड़ के गिरना, तो वहाँ उनके यहाँ लायन आते थे, दादा जो है, तो हम बहुत गिर घूमे उनके साथ, तो दादा दादी और मेरी बहन जो रिलायंस फाउंडेशन चलाती है और साथ साथ में रिटेल बिजनेस भी चलाती है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरी बहन का इसमें बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, और साथ साथ में मेरे माताश्री, तो आपको पता ही प्रेरणा है, बिल्कुल, मैंने आपको बताया है कि आज जो भी है मैंने मेरे माताश्री से सीखा है, और इनके लिए मैं इसीलिए ये सब आप खड़ा कर पाया, क्योंकि माताजी पिताश्री का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है ये सफल करने। बिल्कुल, इतना देखिए, इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ बिजनेस एंगल से नहीं हो सकता, वो पैशन बहुत जरूरी है, और वो पैशन मुझे आप में दिखाई दे रहा है। आपको तो, आप बल्कि CNBC आवाज से हो, तो आप बिजनेस के माध्यम से बात, थोड़ा बिजनेस की ज्यादा बात करता हूँ, लेकिन उसमें मुझे बियॉन्ड बिजनेस दिख रहा था। यहाँ तो आप अगर आप देखोगे तो हमने ये पूरा एक सेवालय बनाया है, यहाँ खाली जानवरों की सेवा होती है, हाथियों, अलग अलग प्रजाति के जानवर की सेवा, रेस्क्यू सेंटर बनाया है, और हाथी का एक कैंप, हाथी रेस्क्यू सेंटर बनाया है। यहाँ हमारे पास लगभग 200 से ज़्यादा हाथी हमने रेस्क्यू करके लाए हैं, और जानवरों में हमने लगभग 20 से 25 हज़ार जानवर रेस्क्यू किए हैं। यहाँ 100 से अधिक अलग अलग प्रजाति के जानवर हमने लाए हैं, दुर्लभ प्रजातियों का भी हम संरक्षण करते हैं, उनको भी हम बचा कर उनका ब्रीडिंग का प्रयास और उनका कंजर्वेशन का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम उनको एक दिन जंगल में वापस से छोड़ पाए। आपने देखा होगा कि हमने ये पूरा 2000 एकड़ में बनाया गया है, और कहाँ भी कोई भी जानवर जिसे मदद, जंगली जानवर जिसे मदद का जरूर है, हम खुले दिल से, खुले हाथ से उनको ले आते हैं। और हमें ऐसे, हमारा पूरा टीम जो 3000 लोग यहाँ काम करते हैं, उनको लगता है कि उनका खुद का बच्चा है, उस हिसाब से हम उनको, उनका जो जितना भी जो हमारे पशु वैद है उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा मैं एक बिजनेस चैनल से हूँ, तो बार बार दिमाग में ये सवाल आता है कि आपने इतनी जमीन, ये पहले से क्या
आपके पास थी इतनी जमीन या इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली एक्वायर की गई थी? आपको बताया कि यहाँ धीरू भाई के समय से जमीन था, ये हमारे जो ट्रस्ट है, जो जानवर संभालने वाले ट्रस्ट है, इनको एक लीजन लाइसेंस पर रिलायंस ने दिया गया है, और ये रिलायंस फाउंडेशन से स्पॉन्सर्ड, और सिर्फ फाउंडेशन से स्पॉन्सर्ड, मेरे माताश्री का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और माताश्री ने ही मुझे ये सब करने का प्रेरणा दी। और यहाँ अभी आप जैसे ज़मीन की बात कर रहे थे, तो हमने जो पूरा बनाया है ये पूरा सोलर एनर्जी, जितना भी आप लाइट देख रहे हैं और जितना भी बायो, हमने बहुत सारा स्क्रैप मटेरियल अलग अलग से यूज़ कर ये सब बनाया है, तो 2,000-2,500 एकड़ पर बसा हुआ है, पूरा जंगल आपने देखा ही होगा कि बाहर बंजर जमीन है, यहाँ जंगल बनाया हमने। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर मान लीजिए और 10,000 जानवरों को बचाने की जरूरत पड़ेगी, तो आगे जाके क्या इस प्रोजेक्ट को और एक्सपेंड किया जा सकता है? इतनी लैंड है आपके पास, इतने रिसोर्सेज हैं आपके पास उनको एक्सपेंड करने के लिए? हम सरकार के साथ साथ काम करते हैं, वन विभाग के साथ, गुजरात वन विभाग ने हमें बहुत सपोर्ट की, और वो तो ऑलरेडी इतना मशहूर काम कर रहे हैं गिर में और पूरे गुजरात में, तो हम उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे और उनके उनके साथ हम सहयोग में उनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ करें। और यहाँ भी देखिए, ये तो एक, अभी तो आप खाली एक झांकी देख रहे हैं, इसमें तो बहुत कुछ आना बाकी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा कि इसमें क्लियरली एक इकोनॉमिक एंगल है, क्योंकि मैं बात कर रहा था जो आपके लेपर्ड को संभालते हैं दिनेश, वो नक्सल इन्फेक्टेड एरिया से आए हैं जी, वो गढ़चिरौली से आए हैं। ओके, तो उसको हम लाए, हमारा बेसिकली 3,000 से 4,000 कैरटेकर है हमारे, और ये सबको हम पिछले भाग जहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज है या जो नॉर्थ ईस्ट के रिमोट एरियाज हैं, हम वहाँ से लाते हैं, इनको एक अलग तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत दिल से जो जंगल में रहते हैं, जो आदिवासी जानवर के लिए, उनका बहुत प्रेम अलग होता है और दिल से जानवर का सेवा करते हैं। तो आप देखोगे कि हम एक 3,000 लोग हैं जिनका पेट यहाँ पल रहा है जानवर के कारण। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, भले ही आप इसको नहीं मानते हो, आप पूरे पैशन से कर रहे हो, लेकिन ये तो इस समय इस दुनिया में जहाँ कार्बन क्रेडिट्स और जीरो कार्बन का इतना चल रहा है, ये तो आपके लिए एक आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेस साइड ऑफ व्यू से भी बहुत आपके लिए कार्बन क्रेडिट में एक लॉटरी बन सकती है। ये तो हम खाली आज जैसे आपको कहा सेवालय है, यहाँ हमें बिजनेस का नहीं सोचना, आप तो बिजनेस चैनल से है, बट ये सेवालय का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। भगवान ने हमें चुना और माता जी और पिताजी का आशीर्वाद रहा, इसीलिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई बिजनेस एंगल नहीं लाना है ना, तो हम इसे, बल्कि फाउंडेशन जरूर मदद करता है, फाउंडेशन के बिना कुछ नहीं होगा, ये ट्रस्ट है, हमारे ट्रस्टीज है, और इसमें बट हमें कोई बिजनेस के साथ जोड़ना नहीं, ना तो इसे हम मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ना इसे हमेशा हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई मुनाफा के लिए नहीं, खाली जानवर का सेवा के लिए रखेंगे। नहीं, वो तो खैर माता पिता का आशीर्वाद तो हर चीज के लिए चाहिए, ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे एक एंगल दिख रहा था यहाँ पर कि एक बिजनेस एंगल, उसके लिए जो है पौधा लगाएंगे, झाड़ लगाएंगे, जंगल करेंगे, जो जानवर का वो सेवा का भाव है, उसमें सेवा का भाव, उससे हमें कुछ वापस नहीं चाहिए, हमें उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमें इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि हम कुछ वापस लें, ये तो खाली सेवा से कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि ये हमेशा नॉन फॉर प्रॉफिट रहेगा जी, तो ये पूरा आपका फिलान्थ्रोपिक और CSR का पार्ट रहेगा जी, और अलग ट्रस्ट है ये, ट्रस्ट में तो बहुत लोगों का सपोर्ट आएगा, हमारा भी सपोर्ट है, ये ट्रस्ट, ट्रस्ट में हमारे ट्रस्टीज है, मैं तो एक सलाहकार जैसा रहता हूँ, हमारे ट्रस्टीज है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलता है। अच्छा आनंद जी, एक चीज पूछूंगा, आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना समय आपने हमारे साथ लगा दिया, इतना समय आप पशुओं के साथ रहते हैं, राधिका जी बुरा नहीं मानती हैं? देखिए, मैं तो, मेरा दिन में ऐसा होता है कि मैं 1 से 2 घंटा पशुओं के साथ रहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मेरे पापा के साथ काम भी करना पड़ता है, टीम है, कलीग्स है मेरे साथ, जो लगभग 1,000, 2,000, 3,000 कलीग्स है हमारे, साथ में रहना पड़ता है, तो 8, 9, 10, 11, 12 घंटा काम भी होता है, ये भी होता है, बट राधिका में एक चीज़ है कि उन्होंने भी मेरे जैसे जानवर से प्रेम करते, जब मैं जानवर में आता वो भी मुझे मदद करते हैं, और अभी तो शादी होने के बाद मेरे लिए बहुत सरल हो जाएगा कि वो भी आकर पैशनेट है, बहुत पैशनेट है, और वो तो हाथी को नाम, अगर हाथी को पहचानते, और मेरे साथ बहुत सारे, उन्होंने, हम जब रात को 4-5 बजे फोन आता है कि अभी एक इमरजेंसी सर्जरी करना है, तो हम दोनों दौड़ के जाते हैं, और मैं भगवान से बस यही है कि वो पापा मम्मी हम सबको शक्ति दे कि हम और ये कर सकें, भगवान जो भी भगवान की इच्छा में है वो होगा, और एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो आपका पैशन शेयर करता हो, उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए फिर।
तो आनंद जी एक बात बताइए, ये जामनगर जहाँ पर देश की पहली रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरी आई, देश का सबसे बड़ा मैंगो प्लांट है, जो शायद बहुत लोग जानते नहीं है कि मतलब दुनिया के शायद सबसे बड़े मैंगो प्लांट्स में से एक है, क्या क्योंकि आप न्यू एनर्जी को लीड कर रहे हैं उस वर्टिकल को, क्या उसकी भी झलक हम आगे आते हुए देखेंगे? बिल्कुल, अभी हमारा काम जोरों में चल रहा है। हमारे पास हम 4000 एकड़ में डेवलप कर रहे हैं, जब तैयार होगा पहले मैं आपको लेकर आके पूरा घुमाऊंगा। नहीं, क्योंकि आपके पिताजी का बहुत विजन रहा है, हर एजीएम में उन्होंने इसके ऊपर काफी खास फोकस किया, तो आपके ऊपर काफी रिस्पांसिबिलिटी कह रहे थे। हम ये पूरा रिफाइनरी को कार्बन नेट कार्बन जीरो पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और पिताजी का वो ख्वाब है जल्द से जल्दी हो जाए। तो ग्रीन एनर्जी में मतलब जैसा आपने कहा कि जब रेडी होगा तो आप मुझे बुलाएंगे, और मैं बहुत लकी होगा कि जैसा आपने बोला मैं आके फर्स्ट यहाँ पर कवरेज करूंगा, लेकिन अगर कुछ उसके बारे में बता सकें कि क्या प्लान है वहाँ उसको लेकर? जब आप आओगे तब हम आपको लेके जाएंगे बिजनेस प्लान में, अभी हम सेवा का बात करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो हमने इतने जो जानवर देखे और उसके अलावा एक हॉस्पिटल देखा, मुझे एक और सवाल है कि जब हम एक नॉर्मल हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उसकी एक इकोनॉमिक्स होती है, यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, जो पशुओं का हॉस्पिटल है, उसकी क्या इकोनॉमी? इसकी इकोनॉमिक्स हो सकती है, जैसे आप देखोगे वाइल्ड लाइफ लैब्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ये करना चाहते हैं, बट देश में 150 से अधिक चिड़ियाघर हैं, बहुत सारे वन विभाग हैं, विदेश में बहुत सारे फॉर प्रॉफिट चिड़ियाघर हैं, तो इसीलिए इनको सबको लैब का जरूरत होता है। तो हमने जो बनाया है, अब तो ये हम नॉन प्रॉफिट में, बट तो भी नॉन प्रॉफिट ऑल्सो ऐसे तो नहीं है, इनको भी तो थोड़ा पैसा कमाना चाहिए। तो हमारा फ्यूचर है कि वर्ल्ड के हर एक सैंपल यहाँ आए और हम यहाँ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करें वाइल्ड लाइफ के लिए। तो इससे अलग अलग गवर्नमेंट वर्ल्ड के भारत में सैंपल्स भेजे, जैसे कोरोना मनुष्य में आ गया, जानवरों में भी बहुत बहुत बीमारियां आती और जानवर से जूनटॉनिक आदमी को भी जाती है, तो ये सब हम लैब में काम करना चाहते हैं। ओके, एक आखिरी सवाल फिर आपसे, जामनगर के साथ आपका एक बहुत गहरा नाता रहा है, क्या इसीलिए आप अपना जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन वो भी जामनगर में कर रहे हैं? जो मेरी दादी है जामनगर की रहने वाली है, मेरे मम्मी ने पूरा जो यहाँ का जो पूरा शहर बसाया है, जो रिलायंस शहर, रिलायंस ग्रीन्स करके शहर, उन्होंने खुद अपने हाथ से बनाया है, ईट ईट मम्मी पापा ने जोड़कर बनाया है। बचपन से मैं जामनगर में पला बड़ा हूँ, मुंबई मेरा एक घर है, जामनगर मेरा घर है, और मेरा हृदय जामनगर में बसा हुआ है, इसीलिए मैं जामनगर, मम्मी पापा और दादी ने कहा कि जामनगर में करिए, इसलिए मैं जामनगर में कर रहा हूँ। और जामनगर वासी और हमारे कलीग्स के साथ, जो हमारे साथ में, जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ ये महोत्सव बनाने का मौका मिला, इसलिए हमने प्री वेडिंग का पूरा जामनगर में रखने का प्रयास किया। अंबानी फैमिली जानी जाती है अपने एग्जीक्यूशन के लिए, जो हमने देखा था धीरू भाई जी के समय से, मुकेश अंबानी जी के समय पे, और अब मैंने सुना है कि जामनगर का पूरा जो काम है वो आप संभाल रहे हैं। ये तो पापा का, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमारा पूरा टीम है, हम सब साथ में मिलते हैं। पर जी, मैं जामनगर में बहुत रहता हूँ, और हम सब, मेरे से बहुत सीनियर या हमारे अधिकारी हैं रिलायंस के, हम उनसे सीख सीख कर साथ में रहते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ करें, और सीखने का तो रोज नया कुछ सीखने मिलता है, अधिकारी के साथ रहकर हम सीख रहे हैं और साथ साथ में कुछ काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा रिफाइनरी, आप एक और बार जाके देखिए, तो हमारे सब जी बिल्कुल। तो आप मुझे फिर कब बुला रहे हैं, जब ये नया प्रोजेक्ट जो आपका? आपको मैं December 20th को बुलाऊंगा, December 20th को, तब तक फुल्ली सब कुछ तैयार होगा, आप आइए तब बात करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा तब बात करूंगा। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने इतना शानदार काम किया और हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको आपकी शादी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 दिनों में मेरी ज़िंदगी 2 साल बढ़ गई। जी हाँ, यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग आई इन एनिमल्स को देखकर और इस एनवायरनमेंट में देखकर कि वाकई अगर हम सब इस तरीके से सोचें और अगर केयर करें हर किसी के बारे में, हर जीवित प्राणी के बारे में, तो ये दुनिया बहुत बेटर बन सकती है। जी हाँ, और इसके लिए आनंद अंबानी को और पूरी अंबानी फैमिली को मेरी तरफ से 2 सैल्यूट, और बस इतना ही कहूँगा कि ये जो मेरा 2 दिन का एक्सपीरियंस था, मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे एक्सपीरियंसेस में से एक रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल कवरेज।